वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। पीएफ कैलकुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है जो कि पीएफ कैलकुलेशन पर एक क्लैरिटी ला रहा है। इस फैसले के अनुसार अब बेसिक सैलरी और स्पेशल अलाउंस के आधार पर पीएफ तय होगा, ना कि केवल बेसिक और डीए को कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अब स्पेशल अलाउंस भी जो है उसके आधार पर पीएफ तय होगा। यानी इससे तो यही लग रहा है कि पीएफ की अब रकम बढ़ जाएगी, लेकिन क्या इससे टेक होम सैलरी पर फर्क पड़ेगा? बलवंत जी, आपका क्या टेक है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? हमें फायदा मिलेगा पीएफ में? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि 28 फरवरी को डिसीजन आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है 12% का, वो कैलकुलेट करने के लिए आपकी बेसिक सैलरी के अलावा वो सब जो अलाउंस है जो यूनिवर्सली सब एम्प्लॉय को मिलते हैं, मतलब अगर वो जो पैसा आपको मिलता है वो आपकी एफिशिएंसी, आउटपुट, परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं है, तो वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा बेसिक सैलरी पे, और उसके बेसिस पे आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन होगा। तो जैसे आपकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव वगैरह है, एचआर वैसे भी एक्सक्लूडेड है, तो ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। परंतु नॉर्मली कंपनीज क्या है, सैलरी बेसिक सैलरी कम रखती है और बाकी स्पेशल अलाउंसेज में देती है। जो स्पेशल अलाउंसेज जो अभी तक अगर कंसीडर नहीं किया गया है तो अभी वो बेसिक सैलरी का पार्ट हो गया। आपको जो एम्प्लॉयर को उतना काटना पड़ेगा और खुद को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जहाँ तक इन हैंड सैलरी की बात है, जिनकी जो पे है जो 15,000 की लिमिट है, 15,000 कैसे कम है उनके लिए ही एप्लीकेबल है, ऊपर वालों के लिए ऑप्शनल है। तो अगर 15,000 से कम आपकी सैलरी है तो आपकी बेस सैलरी में वो स्पेशल अलाउंस बढ़ जाएगा, तो आपकी जो डिडक्शन है वो बढ़ जाएगी। कुछ केसेज में क्या होता है, आपको आपका एम्प्लॉयर सिर्फ 15,000 ही कंसीडर करता है पीएफ डिडक्शन के लिए और बाकी कंसीडर नहीं करता है, तो उन लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैसे भी उनका 15,000 पे ही है। परंतु कुछ कंपनीज में जितनी आपकी बेसिक सैलरी है उसके पूरे पे एम्प्लॉयर आपका पीएफ काटता है और खुद भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ऐसे जो पहले वाला केस और ये तीसरा वाला केस है, उस केसेज में आपके इन हैंड सैलरी आपकी कम हो जाएगी। सेकेंड वाला केस है जो जिसमें 15,000 पे कंट्रीब्यूशन होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।